हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आएंगे तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 3 की पावर x है प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब ये एक आपको इक्वेशन दी हुई है। अब आपको क्या करना है, x की पावर x की वैल्यू निकालनी है। x की पावर x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो इक्वेशन गिवन है उससे आप x की वैल्यू निकालो। जो भी x की वैल्यू होगी आप यहां पे पुट करोगे, फिर फाइनली आपको आंसर मिलेगा। तो यहां पे अगर सबसे पहले ये इक्वेशन को देखें, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहां पे आप देखो 3 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर x इंटू 1, सॉरी इंटू 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 1 हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेज टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, ये 36 के बराबर है। अब यहाँ पे आपको दो टर्म मिले हैं, एक ही है 3 रेज टू द पावर x और दूसरा है 3 रेज टू द पावर x इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 की पावर x आप कॉमन ले सकते हो और बचेगा क्या यहाँ पे 1, और प्लस ये चीज़ बाहर आ गई और बचा क्या यहाँ पे 3। अब ये हो गई वैल्यू 36 के बराबर। 3 रेज टू द पावर x 3 एंड 1 4 इज इक्वल टू 36, और 3 की पावर x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 9 टाइम्स में 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9। अब 9 को आपको क्या करना है, फिर से बेस जो है वो सेम करना है। बेस क्यों सेम करना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। जब आप पावर को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है x की पावर x की वैल्यू बताओ, तो x की पावर x मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4 इसका आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुई, 4 इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसे कॉमन आपको मिल जाएंगी। आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी और कुछ अगर वैल्यू इस तरीके से पूछी हुई है, तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन से उस वैल्यू को निकालोगे। जैसे यहाँ x रेज टू द पावर x दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, तो x की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे पुट करोगे, जो भी चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पे तो उसमें आप पुट करोगे और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन अगर आप देखो तो थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, x रेज टू द पावर y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2 की पावर 2 की पावर 1 की पावर 4 की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है y की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी हुई है, दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा रही है क्या, y की वैल्यू। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है तो उसको हम उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, x की पावर y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब x की पावर, एक चीज़ आप बताओ, अगर 1 है, 1 की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है 1 आएगी। 1 की पावर 8 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है 8 आएगी। 1 की पावर अगर 100 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब 1 की पावर आप कुछ भी करो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये देनी है आपको कि ये क्या है, 4 और 8 1 की पावर है, तो 1 की पावर 4 की पावर 8 यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू सारी 1 हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब आप खुद देख सकते हो कि ये देखने में जितना हॉरिबल क्वेश्चन था उतना था नहीं, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब एक्स की पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगे, तो वाई प्लस
और यहाँ पे माइनस टू ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है, एक्स है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू फोर प्लस टू, वाई इज इक्वल टू सिक्स, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, 6 आ गई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इन दो क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप देखो इस चीज़ को, 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 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 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और गिवन क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, कंडीशन दी हुई है, यदि x की वैल्यू 2 रखी जाए तो आप इस चीज़ की वैल्यू निकालो। तो देखो ये है क्वेश्चन बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पे बॉड मास जो आपने पढ़ा है, मैंने लेक्चर भी बनाया है उस पर, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलग से कोई आप कह सकते हो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिवीजन का साइन दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि आप लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करो जो कि बेसिक प्रोसीजर है, जैसे कि 1 बाई एक्स और फिर उसके बाद डिवाइड बाई 1 बाई एक्स करो, फिर डिवाइड बाई 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स, कितनी बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल यहाँ पे कितनी बार है, ठीक है। अब दूसरी बार हमने क्या किया, अब इसको एक्स को ऊपर ले जाओ और फिर डिवाइड बाई 1 बाई एक्स करो, तो इस तरीके से आप इसको लंबे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम सेव करना होता है। तो जब कभी भी इस तरीके से डिवीजन का साइन बीच में लगा के दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली जो वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू है 1 बाय एक्स, उसके बाद ये लिखने के बाद जितने भी टर्म्स बच रहे हैं 1, 2, 3, 4 आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 1 बाई एक्स, पांच बार है तो 1 बाई एक्स पहले लिख दिया, बाकी के जो चार बार है इनटू करके लिख दिया। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू है तो आप उस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 4 है, बाकी जगह 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वैल्यू लिखने के बाद बाकी सबको मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि अब हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब 5-6 टर्म्स ऐसे दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और एग्जाम में हमें टाइम भी सेव करना होता है। तो ये क्या हुआ, x से x हो गया कैंसिल, बचा क्या है, x इंटू एक्स यानी x की पावर 3। यहाँ पे x की वैल्यू, कंडीशन यहाँ पे क्या दी है कि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 8 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, 8 इसका आंसर हो गया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 raised to the power 4 y इज इक्वल टू 128 देन y स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि एक इक्वेशन आपको दी हुई है, आप कह सकते हो एक इक्वेशन दी हुई है, और यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो y स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, y की वैल्यू निकालोगे उसके बाद ही y स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। अब y की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अलावा हमारे पास और कोई कंडीशन है ही नहीं। जब कोई कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो 2 raised to the power 4 y इज इक्वल टू 128, अगर इसका फैक्टर करो 128 का तो ये क्या होगा, 2 raised to the power 7 होगा, ठीक है, 2 raised to the power 7 होगा। अब आपको अच्छे से पता है जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर होते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो पावर की जो वैल्यू है 4y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू जो आएगी 7/4, y की वैल्यू निकल के आ गई 7/4 और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है y स्क्वायर की वैल्यू, तो बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि 7/4 अगर ऑप्शन में दिखा और आपने टिक लगा दिया और चले आए, ऐसा नहीं होता है, y स्क्वायर की वैल्यू पूछ रही है, तो y स्क्वायर यानी कि आपको इसका स्क्वायर करना होगा 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 49 और यहाँ पे हो जाएगा 16, 49/16 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो अभी हमने आज कुछ क्वेश्चन देखे हैं, ये जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।